तो फ्रेंड्स आप सारे कैसे हैं, उम्मीद करूंगा खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रमोद आज सभी को स्वागत करता हूं आज के ब्लॉग में। पहले ही बता दूं, पिछले सारे ब्लॉग आप लोगों ने सही से मदद कर रहे हो, ऐसे ही आप लोगों की दुआ के हाथ मेरे सर पे रखना ताकि मैं आगे बढ़ूं और आप लोगों को कुछ नए करके दिखा पाऊं। चलिए ठीक है, आगे आज की ब्लॉग में क्या है वो मैं आगे दिखाता हूँ। दोस्तों आज की ब्लॉग में जो मसाला होगा पहले दिखा देता हूँ। सरसों पीसूंगा मैं सिलबट्टे में, एक सूखा लाल मिर्च साबुत लिया हूँ, एक टमाटर, एक प्याज, बाकी मसाला मैं जब प्रिपेरेशन करूँगा तब दिखाऊंगा। और जिसके लिए मैं ये सारे प्रिपेरेशन कर रहा हूँ वो देखिए, ये है, ये फिश मैं बनाऊंगा, ये समुन्द्र का मच्छी है। आप लोगों को इसके नाम पता है तो बता दीजिए, हम इसे बोलते हैं समुन्द्री चंदा मच्छी, समुन्द्र की चंदा मच्छी। तो दोस्तों इसके बनाने की प्रोसेस में आप लोग बने रहिए, आगे देखते रहिए मैं कैसे बना रहा हूँ, आप लोग घर में ट्राई कीजिए एक बार। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है समुंदर की मच्छी, तो मैं इसीलिए मच्छी लेके आया हूँ। थोड़ा कांटा भी होता है इसमें, हल्का होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं करता है। चलिए आगे बने रहिए, फटाफट से मैं ये सारे मसाला तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसेस में जाएंगे, क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ, आप लोग देखते रहिए। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों के नाम लेके काम शुरू। कढ़ाई बिठाया, गैस चलाया, जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक बता दूं फिश को थोड़ा फ्राई करेंगे। इस फिश के साथ हम आज थोड़ा आलू डालेंगे, आगे देखते रहिए क्या कर रहा हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है, डालते हैं थोड़ा तेल 50 ग्राम के आसपास। पहला काम है आलू को फ्राई करना, थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे क्योंकि मच्छी भी फ्राई होगा। मसाला बनने के बाद सीधा आलू छोड़ेंगे, उसके बाद मच्छी छोड़ेंगे हो जाएगा, इसीलिए आलू को थोड़ा पहले ही फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई कर लिया हूँ, आप छोड़ूंगा मच्छी को ऐसे हल्का फ्राई करूंगा, मज़ेदार खाना बनेगा, देखते रहिए। मच्छी में पहले से मैंने नमक हल्दी लगा के रखा था, 250 ग्राम मच्छी था उसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी लगा के कुछ देर के लिए भिगो के रखा था। अब मैं वो फ्राई कर रहा हूँ, देखिए कैसे लग रहा है। फिश आलू फ्राई हो चुका है, अब मैं चल रहा हूँ प्रोसेस पे फोरन देने के डालने के लिए। 5 फोरन डाल रहा हूँ, जिसमें सौंफ होता है, सरसों होता है, काली तिल होता है, मेथी होता है, अजवाइन होता है, ये डाला 5 फोरन। अब ऐड करूँगा मैं प्याज, 5 फोरन गर्म हो गया, सही से गर्म होते ही मैं डालूँगा प्याज। प्याज मैं बारीक बारीक काट लिया हूँ, उसे ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगा। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इस्तेमाल करूंगा टमाटर, टमाटर थोड़ा पक जाएगा उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा स्वाद अनुसार नमक, जल्दी से हो जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, अब ऐड करूंगा मैं 1/4 चम्मच हल्दी। देखिए टमाटर हल्का मैश हो चुका है और प्याज भी हल्का मैश हो चुका है, अब मैं फ्राई किया हुआ आलू ऐड करूँगा। आलू थोड़ा सा हल्का फ्राई किया था इसीलिए इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, जो भी होगा बाकी इसमें पक जाएगा। टमाटर प्याज लगभग गल चुका है, अब मैं इस्तेमाल करूँगा मेरा पीसा हुआ सरसों, जो मैंने थोड़ा पानी डाल के रखा था, आप इसे ऐड किया। अब ये फूल आँच करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए पकने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सूखा लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर छोड़ा इसमें। अब थोड़ा सा इसे पकने के लिए छोड़ना है। अभी देखिए मैं फिश इसमें ऐड नहीं किया, मच्छी इसमें ऐड नहीं किया, मच्छी ऐड करने के टाइम अभी हुआ नहीं, थोड़ी देर में इसे दिखाता हूँ। और ये हम खाएंगे चावल के साथ, और चावल के साथ एक नंबर की सब्जी होता है। दोस्तों देखिए रेसिपी कैसे लगा और बताइए आप लोगों को पसंद हुआ या नहीं। प्लीज़ दोस्तों आगे फिनिशिंग टेस्ट तक बने रहिए। अब फिश ऐड करने के टाइम आ गया, देखिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ फिश। मेरा फेवरेट सब्जियों में है एक, ऐसे आप लोग कहोगे क्या मच्छी में भी आलू, चिकन में भी आलू, मटन में भी आलू, लेकिन मैं पहले भी बताया हूँ आलू है बादशाह सब्जियों का, इसीलिए किसी में भी इस्तेमाल कीजिए, आप लोग भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा हो जाता है, आप लोग भी कोशिश कर सकते हो। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, पकने देते हैं, तब तक मैं चावल चढ़ाने की बंदोबस्त कर रहा हूँ। देखिए सब्जी मेरा बन चुका है, अब मैं इसे उतार रहा हूँ
और चावल चढ़ा रहा हूँ। दोस्तों चावल होते होते कंप्लीट होते होते एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों से, मेहनत को सफल करने के लिए आप लोगों की लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब की बहुत जरूरी है, तो ये आप लोग किया कीजिए ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ा रहे और नए नए वीडियो देता रहूं। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि हमारा थोड़ा कुछ काम बने। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक सफर करने के लिए। जय हिंद जय भारत।